हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कस्टर्ड पाउडर से मिठाई, इंस्टेंट मिठाई। और ये सबको बहुत ही पसंद आता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही कम समय में बनके रेडी होता है। देखिए कितना सॉफ्ट और रबरी बना है। अभी इसमें हम 3/4 कप कस्टर्ड पाउडर यूज करेंगे। जो एक पैकेट आता है 100 ग्राम्स का, वो पैकेट पूरा यूज करना है। और इसको 2 कप पानी में अच्छे से मिक्स करना है। 3/4 कप है, कप के हिसाब से पैकेट में देखें तो 100 ग्राम का पैकेट है ये। 2 कप पानी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करके इसको रख देंगे। मेजरमेंट बहुत ही एक्यूरेट होना चाहिए इस रेसिपी में। और ये बहुत ही कम समय में बन जाता है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे कस्टर्ड पाउडर और पानी में। में कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए, अच्छे से मिक्स करना है। देखिए ये मिक्स हो चुका है। अभी एक पैन हीट करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 2 कप चीनी। जो रेशियो है, जो कस्टर्ड पाउडर है उसका दुगना चीनी हम यूज करेंगे। इसमें चीनी थोड़ा सा ज़्यादा ही यूज होता है। 2 कप चीनी यूज करेंगे और 2 कप पानी यूज करेंगे। और एक चिपचिपी से चाशनी बनाएंगे, तार वगैरह नहीं बनाएंगे। बस पानी अच्छे से मिक्स हो जाए चीनी में, उतने ही चिपचिपा चाशनी बनाएंगे। देखिए 2 कप पानी, 2 कप चीनी देंगे इस तरह से। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे मीडियम हीट में, जैसे कि चीनी और पानी अच्छे से मिक्स हो जाए आपस में। आप इस फेस्टिव सीजन में ज़रूर बनाएं इस रेसिपी को, बहुत ही अच्छा बनता है। बच्चों को बहुत अच्छा पसंद आती है मिठाई। देखिए ये रेडी हो चुका है। ज़्यादा गाढ़ी चाशनी नहीं बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी तार वगैरह की। ऐसी ही चिपचिपी सी चाशनी बन जाए। 1 नींबू का रस इसमें ऐड करेंगे, ताकि जो चीनी है वो दानेदार ना हो इसमें। चीनी के दाने नहीं बनने चाहिए इस रेसिपी में। अब इसमें जो कस्टर्ड पाउडर हमने यूज किया था, पानी में मिक्स करके रखा था, उसको पूरा पूरा ऐड कर देंगे। अभी इसके ऐड करते ही जो गैस स्टोव की स्टोव है, उसको हम सिम में कर देंगे और पूरी रेसिपी सिम में ही बनाएंगे। देखिए धीरे धीरे ये ट्रांसपेरेंट होते जा रहा है और थोड़े थोड़े से ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो गया है। और इसको कंटिन्यूस मिक्स करना है। इसका रंग चेंज हो रहा है और इसको कंटिन्यूस मिक्स करते रहना है। हाथ को रोकना नहीं है, धीरे धीरे इस धीमे आंच पे इसको अच्छे से मिक्स करते रहना है। अब इसमें घी की बारी आएगी। 1/2 कप इसमें घी यूज होगा। 3/4 कप कस्टर्ड पाउडर है तो 1/2 कप घी यूज होगा। और थोड़ा थोड़ा करके घी इसमें मिक्स करेंगे। पूरा इकट्ठा मिक्स नहीं करना है। देखिए ये पक रहा है, पकने में थोड़ा सा टाइम चाहिए। अभी इसमें 1 बड़ा चम्मच घी यूज किया और घी को अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरह से। अच्छे से मिक्स हो जाएगा घी इसमें। पूरे रेसिपी में 1/2 कप घी यूज हुआ है। धीरे धीरे करके मिक्स हो रहा है। देखिए ये अभी रेडी नहीं हुआ है। जब ये रेसिपी में घी पूरा बाहर आ जाए और ये पैन से सेपरेट होना शुरू कर दे मिक्सर, तब ये रेडी हो जाता है। मिक्सर जो है पूरा पैन को छोड़ देता है और घी सेपरेट हो जाता है, तब ये रेडी होता है। अभी ये रेडी नहीं हुआ है। अभी और भी इसमें 10-15 मिनट चाहिए। पूरे 30 से 35 मिनट की रेसिपी है। थोड़ा सा मेहनत है पर बहुत टेस्टी रेसिपी ये बनता है। और बहुत कम खर्च में बस एक कस्टर्ड पाउडर ही खरीदना पड़ेगा, बाकी सामान घर पे ही होता है। जो भी हम इसमें ड्राई फ्रूट यूज़ करना है, वो बादाम और 4 मगज और काजू यूज करेंगे। और पिस्ता सबको थोड़ा सा रोस्ट करके यूज करेंगे। अभी 1 चम्मच घी और मैंने ऐड किया, इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। ड्राई फ्रूट को मिक्स रोस्ट करके ही ऐड करना है। अभी इसमें और 1 बड़ा चम्मच घी यूज करना है। सेम प्रोसीजर, अच्छे से मिक्स करना है, घी ऐड करना है, मिक्स करना है। ऐसे करके पूरा 1/2 कप घी यूज कर देना है। और इसमें 4 मगज का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब ज़रूर यूज करें 4 मगज़।
अभी मैंने बादाम को काट के यूज किया है, रोस्ट किया है थोड़ा सा और काट के यूज किया है ताकि ड्राई फ्रूट कच्चा ना रह जाए। इसी वजह से मैं बार बार बता रही हूँ कि जो भी ड्राई फ्रूट उसको रोस्ट करें। ये चार मगज़ है, चार मगज़ को रोस्ट थोड़ा सा रोस्ट किया है मैंने पैन में, ड्राई रोस्ट किया है और इसको यूज करना है। अब ये रेडी हो चुका है, देखिए घी है जो पूरा सेपरेट हो चुका है और पैन से ये मिक्सचर सेपरेट हो रहा है, ये रेडी हो रहा है। जब मिक्सर पैन से पूरा सेपरेट होना शुरू हो जाए तब ये रेडी हो जाता है और घी बाहर आ जाए। ये ट्रे को मैंने घी से घी स्प्रेड करके रखा है और इसमें इसको इस मिक्सर को दे दिया है और उसको जमने को कम से कम 1.5 घंटा रख देंगे और ऊपर से कुछ ड्राई फ्रूट डेकोरेट करेंगे। बटर पेपर देने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही बाहर आ जाता है एक बार सेट होने के बाद। अभी इसके ऊपर मैंने ड्राई फ्रूट सजा दिए, 1.5 घंटा हो गया है। अब इसको मैं पीसेस में कट करूँगी। देखिए इतने सुंदर पीसेस बने हैं इसके, कोई नहीं बताएगा ये कॉर्नफ्लोर से बना, इससे बना हुआ है कस्टर्ड पाउडर से।